तो सीधे चलेंगे गुजरात, जहां पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जनसभा को संबोधित किया जा रहा की बात है। आज तक 1947 में भारत आजाद हुआ, 75 साल हो गए आजादी के। 75 साल में खंबालिया का कोई भी एमएलए आज तक गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बना। आपका अपना बेटा, आपका भाई यशुदान गुजरात का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां पूरी खंबालिया बैठक के लिए बजा दीजिए। आज मुझे भी आपके बीच में आके बहुत गर्व हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। ये कई टीवी चैनल वाले इधर उधर के सर्वे दिखाते हैं, असली सर्वे 8 तारीख को आएगा, 8 दिसंबर को आएगा। और दोस्तों, मैं पूरे गुजरात में घूम रहा हूं अभी। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसको परिवर्तन चाहिए? सबको परिवर्तन चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। परेशान हो चुके हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से। 27 साल के अंदर इनमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया इनमें। ये इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। अब लोग इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पहले जनता के पास मौका नहीं था, पहले जनता के पास विकल्प नहीं था। लोग इनको हटाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी। कांग्रेस इनके साथ अंदर अंदर इन दोनों का, जैसे शादी के पहले होता है ना, लड़का और लड़की छुप छुप के मिलते हैं, लड़का लड़की छुप छुप के मिलते हैं। उनसे पूछो, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी वालों से पूछो, कहते हैं नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। मैं अब उनको बोलता हूं, बहुत हो गया, तुम्हारा पोल खुल चुकी है, अब शादी कर लो जल्दी से तुम दोनों। सबको पता चल गया तुम मियां बीवी हो, शादी कर लो। तो जनता के पास विकल्प नहीं था। एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, दोनों मिले हुए थे दोनों। अब असली मौका आया है, अब असली इनको हुंकार देने वाली पार्टी आई है, इनको ललकार देने वाली पार्टी आई है। इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करने वाली, इनसे हिसाब लेने वाली पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। पूरे गुजरात के अंदर हवा चल रही है। अभी हमें केवल 6 महीने हुए, 6 महीने से प्रचार कर रहे हैं और इतनी जबरदस्त आंधी, इतना जबरदस्त माहौल। मैं कई बार मन में सोचता हूं, रात को सोने के पहले सोचता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, सारा गुजरात खड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं हाथ जोड़ता हूं, आंखें बंद करता हूं, तो लगता है कोई ना कोई दैवी शक्ति है जो ये सारा संचालन कर रही है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, देवी का आशीर्वाद है, जो ये सारा कुछ, इतना जबरदस्त माहौल कैसे हो सकता है। गीता में भी लिखा है कि जब जब पाप का घड़ा पृथ्वी पे भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आपका बेटा यशुदान गुजरात का सीएम बनने जा रहा है। खंबालिया के सब लोगों को मैं आज पहले बधाई देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं बधाई दे के जा रहा हूं। 8 तारीख के बाद तो आपको पूरी दुनिया बधाई देगी। आप लोगों को, आप लोगों ने हमारे पे इतना भरोसा किया, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना विश्वास किया। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे, मैं जब आता हूं गुजरात में, लोग मुझे कहते हैं केजरीवाल हमारा भाई है, बुजुर्ग कहते हैं केजरीवाल हमारा बेटा है। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे के जाता हूं, 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आपका भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल निभाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। आपके घर में किसी को दर्द होगा तो केजरीवाल के सीने में दर्द होगा।
आपके घर में कोई बीमार होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी उस बीमार का इलाज कराने की। आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपकी महंगाई दूर करूंगा। मैं और ईशुदान मिलकर सबसे पहले आपकी महंगाई दूर करेंगे। महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? तो आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, केजरीवाल की गारंटी है, कभी टूटती नहीं है। तो आप गुजरात से अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जहां पर उनके द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया और वहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में परिवर्तन की आंधी है और लोग बीजेपी को हटाकर आपको लाना